वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो आज के वीडियो में मैं फाइनली फर्स्ट टाइम आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ मीशो पर्स हॉल। यू नो मीशो पर आपको सब कुछ मिल जाएगा बहुत ही ज्यादा लो प्राइस में। चाहे आप कुछ भी सर्च करना है, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी ने वेयर किया हो, चाहे उसे किसी ने भी वेयर किया हो। एंड हाँ जी, मीशो पे आपको 100, 150, 200 रुपए में हैंड बैग्स भी मिल रहे हैं। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट फर्स्ट टाइम मीशो का हैंड बैग ट्राई करते हैं एंड देखते हैं कि क्वालिटी किस टाइप से आई है। प्लस आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि हाँ जी मीशो का पर्स ट्राई करो। उससे भी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी मीशो के ज्वेलरी हॉल के लिए, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है मीशो ज्वेलरी हॉल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड इस वीडियो में मैं अपना थर्ड गिवे विनर भी अनाउंस करने वाली हूँ। तो चलो जी फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो जो फर्स्ट हैंड बैग था ना वो था ये, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। एक बार में मैंने इसे ऑर्डर कर दिया एंड जस्ट 143 रुपीज का था। एंड जो मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है वो है ये ग्रे कलर में, बिल्कुल सेम टू सेम, जिसमें ऑल ओवर ना आपको इस टाइप से चेक मिल रहे हैं। ऑल्सो इसका जो क्वालिटी है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। लाइक जस्ट लुक एट द कपड़ा, ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है। इसमें आपको एक सिंगल चैन मिल रही है बट जो अंदर का स्पेस है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है। इसे आप यूज कर सकते हो एज अ मेकअप पाउच, इसमें बहुत सारा सामान आ जाने वाला है। एंड देन ये है इसकी बेल्ट जिसकी लेंथ बहुत अच्छी है एंड इसको आप ना लाइक बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। ऑल्सो इसकी जो सिलाई कर रखी है ना वो भी काफी ज्यादा ढंग से है, कहीं से धागे वगैरह नहीं निकल रहे। प्लस ना टच करने पर बिल्कुल लेदर लग रहा है, बट आई नो लेदर नहीं है। बट इसकी जो क्वालिटी आई है ना 143 रुपीस में वर्थ बाइंग है, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी बिकॉज काफी अच्छा स्पेस है। अंदर साइड आपको अलग से कोई चैन नहीं मिल रही बट स्टिल क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट मैंने मंगवाया था वो थी ये वाली पोटली गोल्डन कलर में, जो बेसिकली न्यूली मैरिड गर्ल होती है या जिनकी मैरिज है आपको गिफ्ट करना है ना, तो ये बहुत खूबसूरत है। एंड जो मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम है गोल्डन कलर में एंड जस्ट लुक एट द शाइन, ये बहुत सॉफ्ट है। प्लस इसमें ऑल ओवर ना कपड़े पे आपको इस टाइप से मिरर वर्क मिल रहा है जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। एक मैरिड गर्ल के लिए ना ये वाली पोटली बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है अगर आप गिफ्ट भी करते हो तो। जो चेन मिल रही है ना वो है बेसिकली मोतियों की एंड जस्ट लुक एट द शाइन इन मोतियों की, कितनी ज्यादा खूबसूरत है। लाइक जैसा कपड़ा दे रखा है ना वैसी मोती की क्वालिटी भी दे रखी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दिया हो। एंड देन दोनों साइड ना इस टाइप से आपको डैश मिल रही है जिसमें नीचे साइड कुछ ऐसा सा लगा हुआ है, बिल्कुल सिंपल नहीं है। तो आप इसे ऐसे खींच लो एंड देन आप इसे कैरी कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। एंड ऑल्सो इसके अंदर का जो स्पेस है ना वो बहुत अच्छा है, इसमें आप अपना बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हो। प्लस जो अंदर का कपड़ा है ना रेशम वगैरह होते हैं ना वैसा सा लग रहा है। पोटली का जो प्राइस है वो जस्ट 152 रुपीज है एंड इस प्राइस में ये वर्थ बाइंग है, आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। उसे तो देख के आपको प्यार हो जाने वाला है बिकॉज जब मैंने इसे मीशो पे देखा ना आई रियली वांट दिस पर्स, लाइक मुझे ट्राई करना है। एंड जो वेबसाइट पर शो हुआ, जो रियलिटी में मुझे रिसीव हुआ वो कुछ भी नहीं है इसके आगे बिकॉज जस्ट लुक एट द पर्स, ये कितना ज्यादा खूबसूरत है एंड ये कितना क्यूट है, छोटू सा। जस्ट लुक एट द साइज, ये बस इतना ही है। ऊपर साइड से ना इसमें पकड़ने के लिए आपको इस टाइप से मोतियों की ना चेन सी मिल रही है जो बहुत सही क्वालिटी की है, बहुत सॉफ्ट है। एंड जस्ट लुक एट द हैंडबैग, इट्स लाइक अ फैंसी हैंडबैग जिसे बस आप कैरी कर सकते हो अपना कैश, लिपस्टिक एंड छोटा मोटा सा सामान कैरी करने के लिए। ये यहाँ से ना इस टाइप से ओपन हो जाता है, स्पेस बहुत कम है जैसा मैंने आपको बताया, बट ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। ऑल्सो जो क्वालिटी की बात करूँ ना तो इट्स नॉट लाइक प्रॉपर हार्ड वाला मटेरियल, बहुत सॉफ्ट है। एंड इसमें आपको एक चेन भी मिल रही है प्योर गोल्डन कलर में जिसे आप ना इसके अंदर साइड इस टाइप से अटैच कर सकते हो यहाँ पे, देन आप इसे यूज कर सकते हो एज अ स्लिंग बैग एंड या फिर आप इसे ऐसे कैरी कर सकते हो। आप कैरी करो, कोई चार लोग आपको ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड इस हैंडबैग का जो प्राइस है, कैन यू गेस द प्राइस? यस, ये आपको जस्ट 245, लाइक 245 रुपए में आपको इतना सुंदर क्यूट बहुत खूबसूरत हैंडबैग मिल रहा है, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ऑल्सो हर ड्रेस के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा एंड आई रियली लव दिस हैंडबैग। मेरे पास यहाँ पे है ये ग्रीन कलर में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वाला हैंडबैग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका लुक देखो, लाइक जैसा कैमरे पे लग रहा है ना इन रियलिटी उससे चार गुना सुंदर है। ऑल्सो इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। नीचे साइड से ये कुछ ऐसा है तो आप इसे इजिली इस टाइप से स्टैंड भी कर सकते हो। बट इसके फ्रंट पे जो ये बटन
चैनल वाला स्टाइल है ना, ये काफी ज्यादा लोकल क्वालिटी का, उतना ज्यादा अच्छे एंड ब्रांडेड क्वालिटी का नहीं लग रहा है। इधर का जो स्पेस है ना, वो कुछ इतना है जिसमें आप अपना बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हो। प्लस इसमें आपको एक अलग से भी चैन मिल रही है जिसमें आप अपने कॉइन्स हो गए, मेकअप हो गए, लिपस्टिक वगैरह जो भी आपको कैरी कर रहे हैं उसमें ये कैरी कर सकते हो। अंदर का जो कपड़ा है ना, वो काफी अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल लूज नहीं है, फटने वाला नहीं है, बहुत टाइम तक आप इस हैंडबैग को यूज कर सकते हो। बेल्ट की जो क्वालिटी है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, लाइक बहुत ही ज्यादा लोकल क्वालिटी का है, बहुत हल्का फुल्का सा कपड़ा है। बट इस हैंडबैग का जो प्राइस है वो है जस्ट 245 रुपीज या 200 रुपीज, एंड इस प्राइस में ये वर्थ बाइंग है एंड बहुत सही क्वालिटी का है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इसमें आपको इतने सारे कलर मिल जाएंगे ना कि आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग चूज भी कर सकते हो कि हाँ जी मुझे पर्टिकुलर कौन सा कलर लेना है। मीशो से मंगवाया एक बहुत ही खूबसूरत वाला क्लच, एंड मेरे पास यहाँ पे है ये ग्रे कलर में। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे ये जो ग्लिटर का वर्क कर रखा है ना, जिसकी शाइन बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, प्योर वेडिंग वाइब आ रही है पीछे एंड आगे दोनों साइड से ऐसा, एंड बिल्कुल ना बहुत सॉफ्ट है, लाइक ऐसा नहीं है कि आप इसे ऐसे करो सारे के ग्लिटर हाथ में आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छे से चिपका रखा है, या फिर ये कपड़ा ही ऐसा है। और साइड से आपको इस टाइप से ना एक बहुत ही बड़े स्टोन का ना कुछ बटन या क्लच या जो भी आइए वो मिल रहा है, जिसे ये ना ये इस टाइप से ओपन होता है, एंड अंदर साइड से बहुत अच्छा खासा स्पेस है। अंदर का आप कपड़ा देख सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट एंड अच्छी क्वालिटी का है, अंदर से भी लुक इसका बहुत अच्छा है। एंड इसके अंदर साइड आपको ना एक चेन मिल रही है जिसे आप इसे बना सकते हो स्लिंग बैग, ताकि ये इजिली कैरी हो जाए, या आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, जैसे भी आपको सही लगता है आप इसे कैरी कर सकते हो। इस क्लच का जो प्राइस है वो है जस्ट 275 रुपीज, लाइक इतना सस्ता मीशो कैसे दे सकता है समार। क्लच को जरूर ट्राई कर लेना, मेरी रिकमेंडेशन पे आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। आई रियली लव दिस, लाइक कितना खूबसूरत लग रहा है, तो आई लव इट। नेक्स्ट हैंडबैग मैंने मंगवाया ना वो है ये पिंक कलर में, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, बट जो मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है ना वो है ये ग्रे कलर में। लाइक जो मैंने कलर मंगवाया ना वो कलर मुझे मीशो वाले ने सेंड नहीं किया। ये वैसे देखने में बहुत सुंदर सा एंड एकदम सिंपल सा ही है, बेसिक सा, लाइक इस टाइप से। इसके कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है। देन इसमें आपको दो चेन मिल जाएगी, एक मोतियों वाली एंड एक नॉर्मल, एंड इन दो की वजह से ना इस हैंडबैग में कुछ चार चांद लग रहे हैं, बट ये बहुत सिंपल सा है। एंड देन इसमें आपको इतनी लेंथ की कुछ बेल्ट मिल रही है। बेल्ट की क्वालिटी की मैं तारीफ करूंगी डेफिनेटली, कि ये बहुत सही क्वालिटी का है, सिलाई बहुत अच्छे से कर रखी है, लेंथ बहुत अच्छी है। पीछे से ये बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक है, नीचे साइड से कुछ ऐसा है, एंड इसमें आपको ओनली एक चेन मिल रही है, बट जो चेन की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। अंदर का आप स्पेस देख सकते हो, लाइक बहुत अच्छा खासा स्पेस है। इसके अंदर का जो कपड़ा है ना वो काफी ज्यादा हार्ड है, मुझे इसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, एंड इस टाइप के जो पर्स में कपड़ा होता है ना अंदर का, वो बहुत जल्दी फट जाता है। दैट्स व्हाई मुझे ये हैंडबैग उतना ज्यादा पसंद नहीं आया क्वालिटी के अकॉर्डिंग। अगर इसके प्राइस की बात करूं ना, तो इसका प्राइस 245 रुपीज था, एंड मुझे इस प्राइस में ना समझ में नहीं आ रहा कि ये वर्थ इट है या नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉस्टली है लुक के अकॉर्डिंग एंड अंदर के कपड़े की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, बट अदरवाइज I really don't know. So yeah guys, that was it for this video. I know मैंने first time इतने कम product आप लोग साथ share किए, just because मेरे कुछ product cancel हो गए थे. So are you interested in parts again? तो please मुझे comment में बताना, मैं definitely share करूंगी. Otherwise that was it for this video. हाँ जी, ये video का end हो चुका है. अगर आपको video पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए helpful रही हो, so please video को like, share, मेरे channel को subscribe जरूर कर लेना. And thank you so much, आपने इस month मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. And thank you so much. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में सेकंड गिवअवे विनर के साथ, एंड या बाय, आई लव यू।